यूं तो उत्तर प्रदेश के कणकण में इतिहास बसा है। इस प्राचीन धरा पर आज भी खुदाई में त्रेता से लेकर द्वापर युग तक के अवशेष मिलते रहते हैं। इन्हीं में से एक प्राचीन स्थल हस्तिनापुर भी है, जो युग परिवर्तन का जीता जागता उदाहरण है। इतिहास में दर्ज है कि हस्तिनापुर महाभारत काल में कौरवों की राजधानी थी। हस्तिनापुर मेरठ शहर से 22 मील उत्तर पूर्व गंगा किनारे स्थित है। कहते हैं कि यहाँ की धरा में पांडवों का किला, महल, मंदिर और अन्य अवशेष आज भी दफन हैं। पुरातत्वविदों के उत्खनन से पता चला है कि हस्तिनापुर की प्राचीन बस्ती करीब 1000 ईसा पूर्व से पहले की थी, जो सदियों तक रही। वहीं दूसरी बस्ती करीब 90 ईसा पूर्व बसाई गई, जो 300 ईसा पूर्व तक रही। इसके बाद तीसरी बस्ती 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक थी, जबकि अंतिम बस्ती 11वीं से 14वीं सदी तक रही। अब भी उत्खनन के दौरान इन बस्तियों के अवशेष मिलते रहते हैं। यहाँ प्राचीन हस्तिनापुर के अवशेष की भरमार है। यहाँ पांडवों का विशालकाय एक किला आज भी भूमि में दफन है, जो देखरेख के अभाव में नष्ट होता जा रहा है। इसी किले के भीतर पांडवों का महल और मंदिर के साथ अन्य अवशेष भी हैं। हस्तिनापुर को जैन तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ के एक जैन मंदिर में एक बड़ी पेंटिंग लगी है, जिसमें पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी जैन धर्म की दीक्षा लेते नजर आ रही हैं। अगर आप भी यहां जाएंगे तो यह पेंटिंग आपको हैरान कर सकती है। पेंटिंग देखते ही आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर पांडवों ने जैन धर्म कब स्वीकार किया। जब हमने पेंटिंग को लेकर मंदिर के पुजारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि पांचों पांडवों ने द्रौपदी के साथ जैन धर्म स्वीकार किया था। उन्होंने यह भी बताया कि जैन धर्मशास्त्र के अनुसार महाभारत में भी जैन धर्म के 22वें तीर्थांकर थे, जिनका नाम नेमि था और वह रिश्ते में भगवान श्री कृष्ण के भाई थे। हस्तिनापुर में आपको जैन धर्म के अनेक मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जिनमें जम्मू द्वीप जैन मंदिर, प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, अष्टपद जैन मंदिर, श्वेतांबर जैन मंदिर और श्री कैलाश पर्वत जैन मंदिर आदि प्रमुख हैं।